हेलो फ्रेंड्स, मैं देवेन आर्य। आज हम बात करेंगे क्लास इलेवेंथ की सप्लीमेंट्री इंग्लिश बुक, जिसका नाम है स्नैपशॉट। उसके चैप्टर फर्स्ट, द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, जिसको लिखा है विलियम सैरोन ने। ठीक है, सुंदर सी एक कहानी है। इस कहानी के बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं, उसके पहले हम चैप्टर का जो नाम है उसको डिस्कस कर लेते हैं। इसका जो नाम रखा गया है द समर ऑफ द ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स, एक सुंदर सा सफ़ेद घोड़ा है। उसके साथ में हमारा जो लेखक है वो गर्मी का मौसम में ग्रीष्म ऋतु को बिताता है, तो कैसे उसके अनुभव को शेयर करता है हमारे साथ में, ये सारी चीजें इस कहानी में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए कहानी किसके बारे में है। दिस स्टोरी इज अबाउट टू पुअर अर्मेनियन बॉयज, ये कहानी है यह दो गरीब बच्चों के बारे में है जो कि अर्मेनिया में रहते हैं, इसलिए उनको क्या कहा गया है, अर्मेनियन। जैसे कि इंडिया में रहने वाले को इंडियन बोलते हैं, चाइना में रहने वाले को चाइनीज बोलते हैं, वैसे अर्मेनिया में रहने वाले को अर्मेनियन बोलते हैं। तो दो गरीब बच्चे हैं, अर्मेनिया में रहते हैं, हु बिलोंग टू अ ट्राइब, वहाँ एक ऐसी जनजाति से बिलोंग करते हैं, ऐसी जनजाति है, ऐसे कबीले में रहते हैं, हुज हॉलमार्क आर ट्रस्ट एंड ऑनेस्टी, जिनका हॉलमार्क यानी कि जिनकी विशेषता क्या है, जिनका खास गुण क्या है, एक तो है ट्रस्ट और दूसरा है ऑनेस्टी, यानी कि भरोसा, विश्वास और दूसरा ईमानदारी। यानी ये जनजाति है ये अपने भरोसे और ईमानदारी के लिए जानी जाती है। उस जनजाति के दो बच्चे हैं, आर्मेनिया में रहते हैं, उनकी बहुत ही सुंदर सी कहानी है। तो स्टार्ट करते हैं। वन डे बैक देयर इन द गुड ओल्ड डेज व्हेन आई वाज 9, लेखक यहां पर कहते हैं कि जब मैं 9 साल का था, ठीक है, उस समय क्या था, एक दिन की बात है या एक समय की बात है, पुराने जो बहुत ही अच्छे दिन थे उन दिनों की बात है जब मैं 9 साल का था। एंड द वर्ल्ड वॉज फुल ऑफ एवरी इमेजिनेबल काइंड ऑफ मैग्निफिशेंस, और जो मेरी दुनिया थी वो फुल ऑफ थी यानी भरी हुई थी, किससे भरी हुई थी, हर प्रकार की कल्पनाओं से जो कि वैभव की थी, यानी कि जितनी भी खुशियों वाली कल्पनाएं थी, जितनी भी शानदार कल्पनाएं थी, उन सब कल्पनाओं से भरी हुई थी मेरी दुनिया। एंड लाइफ वॉज स्टिल अ डिलाइटफुल एंड मिस्टीरियस ड्रीम, और जीवन अभी क्या था, एक सुखद और रहस्यमय सपना था। जैसे जो छोटे बच्चे होते हैं 8-9-10 साल के, उनके लिए जीवन क्या होता है, जीवन बहुत ही खुशियों भरा होता है, बड़े बड़े सपने देखते हैं, बहुत शानदार सपने देखते हैं, ऐसा होगा वैसा होगा। तो इसी प्रकार के सपनों से हमारे लेखक की दुनिया भरी पड़ी थी जब वो लेखक 9 साल के थे। माई कजिन मुराद, उनके कजिन का नाम क्या है, चचेरे भाई का नाम है मुराद, उनका जो चचेरा भाई था मुराद, हु आज कंसिडर्ड क्रेजी बाई एवरीबडी हु न्यू हिम एक्सेप्ट मी, जिसे सभी, मेरे सिवाय सभी लोग क्या मानते थे, क्रेजी मानते थे, पागल मानते थे। उनका चचेरा भाई था मुराद, जिसको सभी लोग, कबीले के जितने भी लोग थे, सब एक्सेप्ट मी यानी कि मेरे सिवाय सभी उसको पागल मानते थे। कैम टू माई हाउस एट 4 in the morning, सुबह 4 बजे मेरे घर आया, एंड वोक मी अप टैपिंग ऑन द विंडो ऑफ माई रूम, मेरे कमरे की जो खिड़की थी उस खिड़की को उसने क्या किया, थपथपाया जोर से, है ना, मेरे कमरे की, और मुझको क्या किया, वोकअप किया यानी कि जगाया। ठीक है, तो पहले स्टेंजा में, पहले पैराग्राफ में हमने देखा कि जो हमारे लेखक हैं उनका चचेरा भाई है मुराद, जिसको सभी लोग पागल मानते हैं, सिर्फ वो पागल नहीं मानते हैं, वो सुबह 4 बजे आता है, उनकी खिड़की को ठोकता है, उनको जगाता है, और क्या कहता है, एरम ही सेड, एरम हमारे लेखक का नाम है, लेखक से कहता है एरम, आई जम्प्ड आउट ऑफ बेड एंड लुक्ड आउट ऑफ द विंडो, और जैसे ही वो नाम पुकारता है वो बिस्तर पर उछल पड़ते हैं, एकदम से खड़े हो जाते हैं और खिड़की के बाहर देखते हैं, आई कुडंट बिलीव व्हाट आई सॉ, और वो कहते हैं कि मुझे भरोसा नहीं हुआ कि मैंने क्या देखा। इट वॉज नॉट मॉर्निंग येट, यानी कि अभी सुबह नहीं हुई थी, बट इट वॉज समर, लेकिन यह गर्मी का मौसम था, एंड विथ डे ब्रेक नॉट मैनी मिनट्स अराउंड द कॉर्नर ऑफ द वर्ल्ड, इट वॉज लाइट इनफ फॉर मी टू नो आई वॉज नॉट ड्रीमिंग, यानी कि अभी सुबह नहीं हुई थी, गर्मी का मौसम था, लेकिन दुनिया के इस कोने में अभी भी, मतलब जो है डे ब्रेक होने में, डे ब्रेक का अर्थ होता है सुबह होने में या सवेरा होने में कुछ मिनट्स बाकी थे, यानी कुछ, है ना, घंटे बाकी थे, और दुनिया के इस कोने में थोड़ा सा ऐसा उजाला था जिससे मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ, यानी कि अभी सुबह नहीं हुई थी, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत उजाला हो गया था, गर्मी का मौसम था, जल्दी उजाला हो जाता है, तो उसको देख कर मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं सपना नहीं देख रहा हूँ। My cousin Murad was sitting on a beautiful white horse. और मैंने क्या देखा कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है वो एक सुंदर से प्यारे से सफ़ेद घोड़े के ऊपर बैठा है। I stuck my head out of the window and rubbed my eyes. मैंने खिड़की से बाहर अपना मुंह किया, है ना, और मैंने अपनी आंखों को मलते हुए देखा। Yes, he said in
अर्मेनियन, इट इज ए हॉर्स, और उसने अर्मेनियन भाषा में कहा कि हाँ ये घोड़ा है, यू आर नॉट ड्रीमिंग, तुम सपना नहीं देख रहे हो, मैक इट क्विक इफ यू वॉन्ट टू राइड, जल्दी करो यदि तुम इसकी सवारी करना चाहते हो तो जल्दी करो। ये बात किसने कही? मुराद ने कही, हमारे लेखक एरमसन। आगे बढ़ते हैं। आई न्यू माई कजिन मुराद, मैं जानता था कि जो मेरा चचेरा भाई मुराद है, इंजॉयड बींग अलाइव मोर देन एनी बडी एल्स हू हैड एवर फॉलन इन टू द वर्ल्ड बाई मिस्टेक, कि वहाँ दुनिया के बाकी लोगों से, मतलब दुनिया के जितने भी लोग थे वो शायद ऐसे ही टपक पड़े होंगे, गलती से इस दुनिया में आ गए होंगे, उन सबसे ज़्यादा जीवन का मजा लेना चाहता था और जीवन का मजा लेकर इसको जीता था। बट दिस वॉज मोर देन इवन आई कुड बिलीव, लेकिन यहाँ तो मेरे भरोसे से भी ज्यादा था, मतलब मैं समझ नहीं पा रहा था कि जो है मुराद इतना सुंदर सफ़ेद घोड़ा कहाँ से ले आया। इन द फर्स्ट प्लेस माई अर्लीस्ट मेमोरीज हैड बिन मेमोरीज ऑफ हॉर्सेज एंड माई फर्स्ट लॉन्गिंग हैड बिन लॉन्गिंग टू राइड, और पहली बात तो ये कि जो मेरी अर्लीस्ट मेमोरीज यानी कि शुरुआती जो मेरी यादें हैं वो यादें घोड़े की, और मेरी पहली जीवन की इच्छा क्या है कि घोड़े के ऊपर सवारी करने की लालसा मेरी थी। यानी कि यहाँ पर लेखक हमसे कहते हैं कि उनकी पहली बात यह है कि वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे थे, पहली बात तो ये है कि उनकी यादों में घोड़े की सवारी करना लिखा हुआ था और जीवन में उनका बड़ा बहुत ही ज़्यादा इच्छा थी कि मैं कभी ना कभी किसी अच्छे सुंदर से घोड़े की सवारी करूँ। दिस वॉज द वंडरफुल पार्ट, ये बहुत ही अद्भुत बात थी। इन द सेकेंड प्लेस वी वेर पुअर, और दूसरी बात ये थी कि हम बहुत गरीब थे, मतलब वो भरोसा क्यों नहीं कर पा रहे थे कि मुराद एक इतना अच्छा सुंदर घोड़ा लेकर आया है, इसलिए नहीं कर पा रहे थे क्योंकि यहाँ उनकी सबसे बड़ी समझ लो कि इच्छाओं में से एक इच्छा थी, और दूसरी इच्छा दूसरी बात ये थी कि वो गरीब थे तो घोड़ा नहीं ला सकते थे, इसलिए उसको भरोसा नहीं हो रहा था कि ये बात कैसे सच हो गई। आगे बढ़ते हैं। दिस वॉज द पार्ट दैट वुडंट परमिट मी टू बिलीव व्हाट आई सा, और इसी कारण से ये चीज़ मुझे परमिट नहीं कर रही थी, परमिट यानी कि मुझे इजाज़त नहीं दे रही थी कि मैं इस बात पर भरोसा कर लूँ जिसको मैंने देखा था कि मुराद एक सुंदर सा घोड़ा लेकर आया है, जबकि हम तो बहुत गरीब हैं। वी वेर पुअर, हम बहुत गरीब थे। वी हैड नो मनी, हमारे पास पैसा नहीं था। अवर वोल ट्राइब वॉज पोअर्टी स्ट्रिकन, हमारी पूरी जनजाति जो पूरा कबीला था वो गरीबी से ग्रस्त था। एवरी ब्रांच ऑफ द, यहाँ पर अब उसकी जो जाति है जनजाति उस कबीले का नाम है गैरोगैलियन, क्या लिखा है इसको, गैरोगैलियन फैमिली वॉज लिविंग इन द मोस्ट अमेजिंग एंड कॉमिकल पोअर्टी इन द वर्ल्ड, यानी हमारी पूरी जनजाति है, हमारी पूरी जनजाति की प्रत्येक शाखा जो गैरोगैलियन फैमिली है वह सबसे ज़्यादा अद्भुत और हास्यास्पद गरीबी से ग्रस्त थी, यानी दुनिया की सबसे ज़्यादा गरीब जनजाति थी, तो उसका नाम क्या था, गैरोगैलियन, है ना, गैरोगैलियन जनजाति ही सबसे ज़्यादा गरीब जनजाति में आती थी। नोबडी could understand where we ever got money enough to keep us with food in our bellies, कोई नहीं जानता था कि हम अपने पेट में भोजन भरने के लिए, हमारी बेलीस में भोजन ग्रहण करने के लिए, खाना खाने के लिए पैसे कहाँ से लाएंगे। Not even the old man of the family, यहाँ तक कि हमारे परिवार के जो पुराने लोग थे, जो बूढ़े लोग थे, उनको भी पता नहीं था कि कल कैसे खाएंगे, मतलब हमारे खाने पीने का भी कुछ बंदोबस्त नहीं था, हम इतने गरीब थे, हमारी जनजाति इतनी गरीब थी कि किसी को पता नहीं था कि हम पेट कैसे भरेंगे। आगे बात करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट ऑफ ऑल दो वी वेर फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी, और सबसे इम्पोर्टेंट बात हमारे बारे में ये थी कि हम लोग हमारी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी हैड बिन फेमस फॉर आवर ऑनेस्टी फॉर समथिंग लाइक 11th century, हम 11वीं शताब्दी तक हमारी ईमानदारी के लिए प्रतिष्ठित थे, हमारी ईमानदारी ही हमारी पहचान थी। इवन वेन वी हैड बिन द वेल्दीएस्ट फैमिली इन वाट वी लाइक्ड टू थिंक वाज द वर्ल्ड, उस समय भी हम बहुत ईमानदार थे जब 11वीं शताब्दी तक हमारी जो जनजाति है, हमारा जो समुदाय है, वो सबसे ज़्यादा धनी समुदाय में आता था। यानी कि आज हम लोग गरीब हैं लेकिन हम लोग उस समय से भी ईमानदार हैं, है ना, जब हम बहुत ज़्यादा अमीर थे उस समय भी हम बहुत ईमानदार थे, हमारी ईमानदारी के लिए जाने जाते थे। वी वेयर प्राउड फर्स्ट ऑनेस्ट नेक्स्ट, हम सबसे पहले हम हमारे अभिमान के लिए जाने जाते थे, इसके बाद हमारी ईमानदारी के लिए, एंड आफ्टर दैट वी बिलीव्ड इन राइट एंड रॉन्ग, इसके बाद हम सही और गलत
में भरोसा करते थे क्या चीज़ सही है क्या गलत है। नन ऑफ अस वुड टेक एडवांटेज ऑफ एनी बडी इन द वर्ल्ड लेट अलोन स्टील। हम में से कोई भी व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति से लाभ उठाना नहीं जानता था, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। यानी कि जो गैरो गैलेनियन उनकी फैमिली है या समुदाय है या ट्राइब से है, वो अभी हमने लेसन के स्टार्ट में पढ़ा था कि उनकी ईमानदारी और उनके ट्रस्ट के लिए जाने जाते थे, तो उस समय भी वो बहुत ईमानदार थे। जब वो 11वीं शताब्दी तक बहुत धनी थे तब भी वो बहुत ईमानदार थे, और दूसरे लोगों का फायदा उठाना वो नहीं जानते थे, तो चोरी करना तो बहुत दूर की बात है। कंसिक्वेंटली इवन दो आई कुड सी द हॉर्स, और कंसिक्वेंटली का अर्थ होता है फलस्वरूप, इवन दो है ना, इवन दो यानी कि मैंने उस समय, फिर भी जब मैंने उस हॉर्स को देखा, सो मैग्निफिशियंट, कितना शानदार था, इवन दो आई कुड स्मेल इट, और मैं उसको स्मेल भी कर सकता था, सो लवली, और उसमें से बहुत प्यारी गंध आ रही थी उस घोड़े में से, इवन दो आई कुड हियर इट ब्रेथिंग, यहाँ तक कि मैं उसकी सांस को सुन भी सकता था जब वो सांस ले रहा था, सो एक्साइटिंग, बहुत ही रोमांचक सांस ले रहा था वो, मतलब उस घोड़े को जब देख रहा था हमारा है ना एरम, तो वो बहुत ही ज़्यादा खुश था उसको देखकर, उसकी गंध को सुनकर, उसकी सांसों को जो है सुनकर वो बहुत ही रोमांचित हो रहा था। I couldn't believe the horse had anything to do with my cousin Murad or with me or with any of the other member of my family. इसके बावजूद भी मैं इस चीज़ को सहन नहीं कर पा रहा था, एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा था कि मुराद या मेरे द्वारा या मेरे परिवार के किसी भी व्यक्ति के पास ऐसा घोड़ा हो सकता है। Asleep or awake, ना तो जागते हुए ना ही सोते हुए, बिकॉज आई न्यू माई कजिन मुराद कुडंट हैव बोट द हॉर्स, क्यों, क्योंकि मैं जानता था कि मेरा जो भाई मुराद है वो ऐसा घोड़ा नहीं खरीद सकता, एंड इफ ही कुडंट हैव बोट इट, और यदि वो ऐसा घोड़ा नहीं खरीद सकता तो ही मस्ट हैव स्टोलन इट, तो उसने इसको जरूर चुराया होगा, एंड आई रिफ्यूज टू बिलीव ही हैड स्टोलन इट, और मैं इस बात से इनकार करता हूँ कि वो कभी चोरी भी कर सकता है। यानी कि जब उसने है ना हमको बताया कि उसका जो कबीला है, उसका जो समुदाय है, वो ईमानदारी के लिए तो जाना जाता है, जब उसने ऐसे घोड़े को देखा, इतना सुंदर है ना, इतना रोमांचकारी और इतना बेहतरीन घोड़ा जब उसने देखा, तो उसको ऐसा लगा कि मैं और मेरे परिवार का कोई व्यक्ति या मुराद भी ऐसा घोड़ा नहीं ले सकता, और मुराद के पास भी पैसे नहीं है कि वो खरीद सकता है, तो भी क्या मुराद ने इसको चुराया होगा, लेकिन मैं इस बात को एक्सेप्ट करने में भी मना करूंगा कि कभी मुराद चोरी कर सकता है, क्यों, क्योंकि उनकी फैमिली, उनका जो जनजाति है वो उनकी ईमानदारी के लिए जाना जाता है। नो मेम्बर ऑफ द गैरो गैलेनियन फैमिली कुड बी अ थीफ, गैरो गैलेनियन फैमिली का कोई भी मेम्बर चोर नहीं हो सकता। आई स्टेड फर्स्ट एट माई कजिन एंड देन एट द हॉर्स, मैंने सबसे पहले उस मेरे कजिन को घूरा, इसके बाद मैंने घोड़े को घूरा। देर वॉज ए पियस स्टिलनेस, पियस का अर्थ होता है पावन, पवित्र, स्टिलनेस यानी कि स्थिरता, एंड ह्यूमर इन ईच ऑफ देम विच ऑन द वन हैंडेड डिलाइटेड मी एंड ऑन द अदर फ्राइटेंड मी। जब मैंने घोड़े को देखा और अपने भाई को देखा, तो एक बड़ी ही पावन स्थिरता और एक बड़ा ही पावन, मेरे को जो है मजाक टाइप लगा, ह्यूमर लगा, मेरे को खुशी मिली, लेकिन एक तरफ मैं प्रसन्न हो रहा था और एक तरफ मैं बहुत ज़्यादा डर रहा था। प्रसन्न हो रहा था ऐसे घोड़े को देखकर, और डर रहा था कि कहीं मेरे भाई ने चोरी तो नहीं कर ली, है ना। आगे बढ़ते हैं। मुराद, आई सेड वेयर डिड यू स्टील दिस हॉर्स, मैंने मुराद से कहा कि मुराद तुमने घोड़ा कहाँ से चुराया है। लीप आउट ऑफ द विंडो ही सेड इफ यू वॉन्ट टू राइड, तो उसने क्या कहा कि यदि तुम सवारी करना चाहते हो तो खिड़की से बाहर कूदो। इट वॉज ट्रू दैन, है ना, अब ये सत्य हो गया था इसके बाद कि ही हैड स्टोल इन द हॉर्स, कि उसने घोड़े को चुराया। जब उसने ऐसा बोला एरम से, तो वो समझ गया कि मुराद ने घोड़े को चुराया है। देर वॉज नो क्वेश्चन अबाउट इट, इसमें कोई संदेह नहीं है। ही हैड कम टू इन्वाइट मी टू राइड और नॉट एज आई चूज, और वहाँ मुझे इन्वाइट करने के लिए आया है कि मैं घोड़े की सवारी करूँ कि नहीं करूँ, ये मेरे ऊपर था, ये मेरे को चुनाव करना था इस बात का। आगे बढ़ते हैं। वेल इट सीम्ड टू मी स्टीलिंग अ हॉर्स फॉर अ राइड वॉज नॉट द सेम थिंग एज स्टीलिंग समथिंग एल्स, और मेरे हिसाब में घोड़े को सवारी करने के लिए चुराना किसी दूसरी चीज को चुराने जैसा नहीं था।
सच एज मनी, जैसे कि पैसा, यानी कि पैसे को चुराना और घोड़े को चुरा कर उसकी सवारी करना दोनों अलग अलग बात है। फॉर ऑल आई न्यू, और जितना मैं जानता था, मे बी इट वॉज नॉट स्टीलिंग एट ऑल, कि यह चोरी नहीं हो सकती। इफ़ यू वेर क्रेजी अबाउट, यदि आप पागल हैं, अबाउट हॉर्सेज द वे माई कजिन मुराद एंड आई वेर, यदि आप मेरे और मेरे भाई मुराद की तरह घोड़े की सवारी करने के लिए पागल हैं, तो समझ लो तो फिर आप ये चोरी नहीं हो सकती। इट वाजंट स्टीलिंग, यह चोरी नहीं थी। इट वुडंट बिकम स्टीलिंग अनटिल वी ऑफर्ड टू सेल द हॉर्स, और ये तब तक चोरी नहीं मानी जाएगी जब तक हम घोड़े को बेचने के लिए तैयार नहीं हो जाएं। Which of course I knew we could never do, और ऐसा हम कभी भी नहीं करेंगे। यानी यहाँ पर एरम अपनी बात को जस्टिफाई करता है, कैसे जस्टिफाई करता है कि यदि आप पैसा चुराते हैं तो वो चोरी होती है, और यदि आप किसी घोड़े को सवारी करने के लिए चुराते हैं तो वो चोरी नहीं हो सकती, और ख़ास तौर पर उस समय चोरी नहीं हो सकती जब मुराद और मेरी तरह आप घोड़े की सवारी करने के लिए पागल हो, तो समझ लो कि चोरी नहीं है, और वो चोरी तब तक नहीं कही जाएगी जब तक आप घोड़े को बेचने के बारे में ना सोचो, और हम कभी भी घोड़े को नहीं बेचेंगे। ठीक है, लेट मी पुट ऑन सम क्लॉथ्स आई सेड, अब मैंने कहा मुराद से कि मुझे कपड़े तो पहन लेने दो। ऑल राइट ही सेड बट हरी, ने कहा कि ठीक है पर जल्दी पहनो। आई लिप्ड इन टू माई क्लॉथ्स, है ना, मैंने अपने कपड़े पहने। आई जंप डाउन टू द यार्ड फ्रॉम द विंडो एंड लिप्ड अप ऑन टू द हॉर्स बिहाइंड माई कजिन मुराद, मैंने क्या किया, खिड़की से बाहर यार्ड में आंगन में कूदा, और मैं तत्काल जाकर कहाँ बैठ गया, मेरे कजिन मुराद के ठीक पीछे घोड़े के ऊपर जाकर बैठ गया। दैट ईयर वी लिव्ड एट द एज ऑफ टाउन, उस समय उस साल हम कहाँ पर रहते थे, वेलेंट एवेन्यू, है ना, वेलनट एवेन्यू जो है एक स्थान है, एक जगह का नाम है, उस गांव के ठीक पीछे हम रहते थे, उसके किनारे पर हम रहते थे। बिहाइंड आवर हाउस वॉज द कंट्री, और हमारे घर के ठीक पीछे क्या थी, गांव था या वो जो शहर था वो था, वाइन यार्ड्स, ऑर्चर्ड, इरीगेशन डिच एंड कंट्री रोड्स, और क्या क्या था वहाँ पर, वाइन यार्ड यानी अंगूरों के बागान थे, ऑर्चर्ड यानी फल के बगीचे थे, इरीगेशन डिच यानी कि सिंचाई की नालियाँ थी, एंड कंट्री रोड्स और जो गांव था या शहर था उसकी सड़कें थी। इन लेस देन 3 मिनट्स वी वेयर ऑन अलाइव एवेन्यू, और 3 मिनट के अंदर हम अलाइव एवेन्यू पहुंच गए, एक जगह का नाम है, एंड देन द हॉर्स बिगेन टू ट्रॉट, और इसके बाद में हॉर्स जो है वो जो है दुल्की चाल से चलने लगा, दुल्की कार तो होता है मध्यम गति से दौड़ने लगा। द एयर वॉज न्यू एंड लवली टू ब्रैथ, हवा नई थी और बहुत प्यारी लग रही थी लेने में, अंदर लेने में। द फील ऑफ द हॉर्स रनिंग वॉज वंडरफुल, और जब घोड़ा दौड़ रहा तो बड़ा मजा आ रहा था। माई कजिन मुराद हु वॉज कंसिडर वन ऑफ द क्रेजिएस्ट मेंबर ऑफ फैमिली बिगेन टू सिंग, मुराद जो कि हमारे परिवार के लोग हम उसको बहुत पागल मानते थे, उसने गाना गाना शुरू कर दिया। आई मीन ही बिगेन टू रोर, मेरा कहने का मतलब यह है कि उसने दहाड़ मारना शुरू कर दिया, मतलब वो उसके गाने को क्या बोल रहा है, दहाड़ मारना, क्योंकि ऐसा सिंगर नहीं है वो, तो उसको ऐसा लग रहा है कि उसका जो भाई गा नहीं रहा है बल्कि वो चिल्ला रहा है। ठीक है, वो घोड़े के ऊपर सवारी करने बड़ा आनंद आ रहा है। अब आगे चलते हैं। Every family has a crazy streak in it somewhere. हर परिवार में एक crazy streak होता है। Crazy streak का अर्थ ये होता है कि कोई ना कोई पागल की परंपरा उसमें होती है, मतलब पागल लोग किसी ना किसी परिवार में आपको किसी ना किसी जो है वंश में आपको मिल जाएंगे। और इनके जो वंश में था, इनके वंश में कौन था सबसे बड़ा पागल, इनके वंश में सबसे बड़ा पागल जो है मुराद था, है ना, मुराद को क्या मान रहे थे कि ये सबसे बड़ा पागल है। तो जो क्रेजी स्ट्रिक किसको कहा जाएगा हमें, कि जो पागल हो, तो पागल उसको मान रहे थे सभी लोग। चलिए आगे बात करते हैं। एंड माई कजिन मुराद, और जो मेरा भाई है मुराद, वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ द क्रेजी स्ट्रिक इन अवर ट्राइब, और हम मेरा जो भाई था मुराद वो हमारी जनजाति में नेचुरल डिसेंडेंट था, यानी कि बिल्कुल प्राकृतिक वंशज था पागलपन का। बिफोर हिम वॉज अवर अंकल खोसरो, अब खोसरो उसके अंकल का नाम था, किसके, जो एरम है बोल रहा है कि जो पहले के ज़माने में हमारे एक अंकल हुआ करते थे खोसरो, एन एनॉर्मस मैन विथ अ पावरफुल हेड ऑफ ब्लैक हेयर, बहुत ही भयानक से आदमी थे, बहुत ही बड़ा उनका सिर था और काले काले बाल थे, है ना, एक पावरफुल सिर के ऊपर। एंड द लार्जेस्ट मोस्टेज इन द सेंट जेवलिन वैली, और सेंट जेवलिन वैली एक जगह का नाम है, उस वैली में रहने वाले वो सबसे बड़े मुच्छड़ व्यक्ति थे। अ मैन सो फ्यूरियस इन टेम्पर, एक ऐसा आदमी जो बहुत ज्यादा
फ्यूरियस था, मतलब क्रोधित आदमी था स्वभाव में, सो इरिटेबल, बहुत ज़्यादा इरिटेबल था, इरिटेबल यानी कि बहुत ज़्यादा क्रोधित होने वाला व्यक्ति था, सो इम्पेशेंट दैट ही स्टॉप्ड एनीवन फ्रॉम टॉकिंग बाय रोरिंग, और इतना अधीर व्यक्ति था, इम्पेशेंट का अर्थ होता है जिसके अंदर बिल्कुल भी धैर्य ना हो, मतलब पहले तो हिंसक था, गुस्सेल व्यक्ति था और इतना खतरनाक दहाड़ता था, इतना धैर्यहीन व्यक्ति था, इट इज़ नो हार्म पे नो अटेंशन टू इट, और जो कोई भी आकर उनसे कोई भी बात बोलता तो वो सिर्फ एक ही बात बोलते, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, इसमें क्या हो गया, है ना, हर बार मतलब सभी की वो बोलती बंद कर देते थे, जो भी उनके पास आकर बोलता था, इतना गुस्सा करते थे कि सामने वाला बंद हो जाता था, क्योंकि ऐसे चिल्ला के बोलते थे। That was all, no matter what anybody happened to be talking about. यानी कोई भी व्यक्ति कुछ भी आकर बोले तो वो हमेशा ऐसे ही बोलते थे कि कुछ नहीं हुआ, ठीक है, ज़्यादा कोई नुकसान नहीं हुआ। Once it was his own son Arak, एक समय की बात है कि उनका खुद का लड़का जिसका नाम क्या था Arak, running 8 blocks to the barber's shop. वो 8 घर से दौड़ता दौड़ता यानी कि 8-10 घर पीछे से दौड़ता हुआ आया नाई की दुकान पर, वेयर हिज फादर वॉज हैविंग हिज मोस्टेक ट्रिम्ड टू टेल हिम देयर हाउस वॉज ऑन फायर, यानी कि उसके पिताजी जो मेरे अंकल थे खस्त्रो, वो उनकी मूछ किसी नाई के ऊपर सेट करवा रहे थे, उसी समय उनका लड़का आता है Arak दौड़ता हुआ और कहता है कि हमारे घर में आग लग गई है। तो दिस मैन खसरव सेट अप इन द चेयर एंड रोड, तो ये जो व्यक्ति खसरव था ये कुर्सी के ऊपर बैठा हो जाता है बिल्कुल एकदम से और चिल्लाता है इट इज़ नो हार्म, कोई बात नहीं, पे नो अटेंशन टू इट, इसके ऊपर ध्यान मत दो, यानी कि जब उनके घर में आग लग गई और उनका लड़का बोलने आया कि हमारे घर में आग लगी है, इसके बावजूद भी वो बोलते हैं कि कोई बात नहीं। द बार्बर सेड बट द बॉय सेज योर हाउस इज ऑन फायर, तो बार्बर कहता है कि आपका लड़का कह रहा है कि आग लग गई है, सो खसरव रोड, तो खसरव फिर भी रोड करता चिल्लाता है इनफ, बहुत हो गया, इट इज़ नो हार्म आई से, मैंने कहा ना कोई दिक्कत नहीं, मतलब वो इतने क्रोधित व्यक्ति थे, इतने जो है हिंसक व्यक्ति थे कि उनके सामने कोई कुछ भी बोले उसकी नहीं सुनते थे, तो इस प्रकार के जो है उसके अंकल थे और वही के वही गुण सारे किस्में आ गए थे उसके कजिन मुराद में आ गए थे। तो आगे पढ़ते हैं हम कि माई कजिन मुराद वॉज कंसिडर द नेचुरल डिसेंडेंट ऑफ दिस मैन, कि जो मेरा कजिन था मुराद वो वास्तव में इनका प्राकृतिक वंशज था इस व्यक्ति का, मतलब जैसे गुण अंकल में थे वैसे वैसे गुण मुराद में थे। आल दो मुराद से फादर वाज जोरब, हालांकि मुराद के पिता का नाम जोरब था, हु वाज प्रैक्टिकल एंड नथिंग एल्स, वो बहुत ही व्यवहारिक आदमी थे और इससे ज़्यादा कुछ नहीं थे, बहुत व्यवहारिक आदमी, दैट्स हाउ इट वाज इन अवर ट्राइब, जैसा कि हमारे जनजाति में होते हैं अधिकांश लोग। अ मैन कुड बी द फादर ऑफ हिज सन्स फ्लेश, एक इंसान अपने बच्चे कि देह का पिता हो सकता है, बट दैट डिड नॉट मीन दैट ही वॉज ऑल्सो द फादर ऑफ हिज स्पिरिट, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि वो उसकी आत्मा का भी पिता है। देखिए कितनी अच्छी बात कही कि एक इंसान जो है उसके लड़के की देह का पिता हो सकता है, शरीर का पिता हो सकता है, लेकिन आत्मा का पिता नहीं हो सकता, अब आत्मा यानी कि उसके आचरण हो सकते कुछ अलग ही हो। द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द वेरियस काइंड ऑफ स्पिरिट ऑफ अवर ट्राइब हैड बीन फ्रॉम द बिगिनिंग कैप्रिशियस एंड वैग्रेंट, और हमारी जनजाति में ये जो वेरियस काइंड की यानी अलग अलग प्रकार की जो आत्माएं थी वो प्रारंभ से ही थी और सारी कैसी थी, मनमोजी थी और खानाबदोशी थी, यानी हमारे कबीले में अलग अलग प्रकार की आत्माओं के लोग रहते थे, कुछ खानाबदोशी लोग भी थे, कुछ मनमोजी लोग भी थे, तो इस प्रकार से हमारे कबीले के लोग हुआ करते थे। अब आगे चलते हैं कहानी पर, वहीं पर आते हैं। We rode and my cousin Murad sang. हम लोगों ने सवारी की, रोड का अर्थ होता है राइड की सेकेंड फॉर्म है रोड, ठीक है, तो हमने सवारी की और मेरे कजिन मुराद ने गाना गाया। For all anybody knew we were still in the old country where, और सभी लोग हमको यहाँ पर जानते थे, हम जिस पुरानी कंट्री में, यहाँ पर कंट्री का बार बार नाम हो रहा है, कंट्री यानी कि गाँव, ठीक है, जिस गाँव में रहते थे, एटलीस्ट अकॉर्डिंग टू सम ऑफ अवर नेबर्स वी बिलोंग्ड, और कुछ हमारे नेबर्स यानी पड़ोसी भी थे जिनको हम जानते थे, हम वो हमको पहचानते थे, और हम सब ने क्या किया, मतलब जो है जहां पर हम रहते थे वहां पर हम बहुत पहले से रह रहे थे और ये हमारे अधिकांश पड़ोसी इस बात को जानते थे। वी लेट द हॉर्स रन एज लॉन्ग एज इट फेल्ट लाइक रनिंग, हमने घोड़े को तब तक दौड़ाया जब तक कि, है ना, उसने दौड़ने की इच्छा की, यानी जब तक वो दौड़ता रहा तब तक हमने उसको दौड़ाया। एट लास्ट माई कजिन मुराद सेड, और अंत में मेरे कजिन मुराद ने कहा कि गेट डाउन, नीचे उतर जाओ, आई वॉन्ट टू राइड अलोन, मैं अकेला ही सवारी करना चाहता हूँ। विल यू लेट मी राइड अलोन आई आस्क इट, तो Arak ने उससे पूछा कि क्या तुम मुझको भी अकेले सवारी करने दोगे,
दैट इज अप टू द हॉर्स माई कजिन सेट गेट डाउन. तो मेरे कजिन ने मुझसे कहा कि ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर करता है कि वो तुमको अकेले सवारी करने देता है कि नहीं करने देता है, लेकिन तुम अभी नीचे उतरो. द हॉर्स विल लेट मी राइड आई सेट. तो मैंने कहा कि हॉर्स मुझे अकेले सवारी करने देगा. वी शैल सी ही सेट. तो उसने क्या कहा कि ठीक है हम देख लेंगे. डोंट फॉरगेट दैट आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स. इस बात को मत भूलो कि मुझे आई हैव अ वे विथ अ हॉर्स, घोड़े को काबू करना आता है. तो इसमें हमारा लेखक कहता है वेल आई सेड एनी वे यू हैव विथ अ हॉर्स आई हैव ऑल्सो, कि तुम्हें घोड़े को काबू करना आता है तो मुझे भी आता है. फॉर द सेक ऑफ योर सेफ्टी ही सेड लेट अस होप सो गेट डाउन. तो उससे मुराद कहता है कि तुम्हारी भलाई इसी में है कि तुम्हारी सुरक्षा का ध्यान रखो, चुपचाप नीचे उतर जाओ. यानी कि मुराद जबरदस्ती एरम को नीचे उतार देता है. एरम उससे बहस करता है कि तुम मुझे भी अकेले सवारी करने देना. तो मुराद उससे कहता है कि ये तो घोड़े के ऊपर निर्भर करता है, मैं घोड़े को काबू में कर सकता हूँ. तो एरम ने कहा कि मैं भी कर सकता हूँ. तो जबरदस्ती मुराद एरम को नीचे उतार देता है. ऑल राइट आई सेड बट रिमेंबर यू हैव गॉट टू लेट मी ट्राई टू राइड अलोन. तो एरम ऐसा कहकर नीचे उतर जाता है कि ठीक है लेकिन याद रखना तुम मुझे भी अकेले सवारी करने देना इस घोड़े की. आगे बढ़ते हैं. आई गोट डाउन एंड माई कजिन मुराद किक्ड हिज हील्स इन टू द हॉर्स एंड शाउटेड. अब मैं नीचे उतर गया और जो मेरा कजिन था मुराद, उसने हिल्स यानी उसकी एड़ियों से घोड़े को जो है जिसम झटका मारते हैं से एड़ियों से उसकी पीठ को मारा और चिल्लाया वजीरे रन. वजीरे ने यहाँ पर घोड़े का नाम क्या रखा था उसने, वजीर, कि वजीर दौड़ो. द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हाइंड लेग्स. घोड़ा अपने पीछे के पैरों के ऊपर खड़ा हो गया. स्नोटेड यानी हिनहिनाया एंड बस्ट इनटू अ फ्यूरी ऑफ स्पीड और तेज रफ्तार पकड़ता हुआ. दैट वाज द लवलीएस्ट, ये बहुत ही सुंदर सा प्यारा सा थिंग आई हैड एवर सीन. इतनी अच्छी चीज़ थी जिसे मैंने पहली बार देखा था. यानी कि जब उसका भाई मुराद घोड़े को उसकी एड़ी से है ना थोड़ा सा स्पर्श करता है, धक्का लगाता है, तो वो हिनहिनाता हुआ अपने पैरों के ऊपर खड़ा हो जाता है और दृश्य देखकर एरम जो है बहुत ही खुश हो जाता है. माई कजिन मुराद रेस्ट द हॉर्स अक्रॉस ए फील्ड टू ड्राई ग्रास टू एन इरीगेशन बीच. मेरा जो भाई था मुराद वह घोड़े को सूखे घास के खेतों से होता हुआ सिंचाई की नालियों तक ले जाता है. क्रॉस द डिच, उन नालियों को पार करता है. ऑन द हॉर्स एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट. 5 मिनट बाद वापस लौटता है और भीग जाता है. तो फिलहाल स्टोरी में इतना ही. आपको लेसन समझ में आ रहा है मुझे उम्मीद है पूरी. यदि आ रहा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और इसको पूरा देखिएगा. आपसे रिक्वेस्ट है कि आप शुरू से अंत तक लाइन बाय लाइन में एक्सप्लेनेशन करवा रहा हूँ तो उसको पूरा देखें, तभी आपको समझ में आएगा और स्टोरी आपको बहुत अच्छी लगेगी. यदि पिछला वीडियो देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा. जल्द ही मिलते हैं नए वीडियो के साथ में. थैंक यू.